मुंबई में 6 टन वजनी और 90 फुट लंबा पुल चोरी, 4 लोग गिरफ्तार। पार्टी से जो चले गए उन्हें वापस नहीं बुलाएंगे, शरद पवार का बड़ा बयान। शरद पवार की बैठक अनधिकृत, असली एनसीपी हमारे साथ, प्रफुल्ल पटेल। महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान, 2 महीने की छुट्टी पर पंकज चामुंडे, कहा हम नहीं छोड़ूंगी बीजेपी का साथ। ओपनिंग बैंक पर ही 72 हुरे की हालत खराब, नहीं मिला विवादों का फायदा। बंगाल के ग्राम पंचायत चुनाव में हिंसा का तांडव हो रहा है, बीजेपी सांसद रवि शंकर प्रसाद सीएम ममता बनर्जी पर बोला हमला। कांग्रेस का मतलब लूट की दुकान, झूठ का बाजार, बीकानेर की जनसभा में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने शिंदे उद्धव गुट के 40 विधायकों को जारी किया नोटिस, मांगा 7 दिन में जवाब। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सस्ता होगा ट्रेन का सफर, रेलवे ने वंदे भारत समेत एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 25% तक घटाया। अनुच्छेद 370 जितना आसान नहीं सिविल कोड, गुस्सा अच्छा नहीं होगा, गुलाम नबी आजाद की केंद्र सरकार को सलाह। ऑटो पर सवार सारा अली खान, दोस्त की ऑटो की सवारी, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। महाराष्ट्र की राजनीति रोज नए करवट ले रही है, उद्धव ठाकरे से नजदीकियों की चर्चा के बीच राज ठाकरे से सीएम एकनाथ शिंदे ने मुलाकात की है। शिंदे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मंच से अध्यक्ष राज ठाकरे से उनके आवास से उत्तर पर मुलाकात की। एनसीपी नेता अजीत पवार के सरकार में शामिल होने के बाद से राज्य में राजनीतिक माहौल गरमाया है, ऐसे में शिंदे और राज ठाकरे की यह मुलाकात अहम मानी जा रही है। एनसीपी में टूट के बीच उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के करीब आने की चर्चा है। मंत्री नेता अभिजीत पानसे ने गुरुवार को शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत से भी मुलाकात की थी। कहा जा रहा है कि इस बैठक में मनसे ने उद्धव गुट को गठबंधन का प्रस्ताव दिया है, अगर दोनों भाई एक साथ आते हैं तो सत्तारूढ़ के लिए यह सिरदर्द हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में ऐसी कोई संभावना ना उभर पाए इसके लिए सावधानी बरतते हुए शिंदे ने राज ठाकरे से मुलाकात की है। पिछले 1 साल में शिंदे और राज ठाकरे के बीच कई बार मुलाकात हुई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर दोनों नेताओं की नजदीकियां राजनीतिक गठबंधन में नहीं बदल पाई है। मेट्रो सिटी समाचार पर विज्ञापन हेतु संपर्क करें 8847744777।